learn and earn from your home. Learning with earning. उसके बाद ऐसा है कि अब आपको पता चल गया कि आपने कैसे अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है. जो बुक बहुत ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, आपने उसी हवाले से वो आपको टॉपिक भी बता देगा. इन टॉपिक्स पे आप करो तो आप फायदे में रहोगे. तो आपने वही टॉपिक सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं पे लिखते जाना है. मतलब जैसा आप आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक अगर आप 2500 वर्ड्स या 5000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख रहे हो, वैसे ही आप बुक में डाल दो वही चीज. इट्स नॉट लाइक एक कहानी वही होती है कि जिसमें हीरो और हीरोइन होते हैं, ये वो बात नहीं है. मतलब एक फिक्शन होती है और एक नॉन फिक्शन होती है. तो ये सीन है कि आप बुक्स जो हैं वो इस हवाले से डाल सकते हो. बहुत लोग इसको पढ़ रहे हैं. और दूसरा ये कि आपने क्या करना है कि भाई इस सारा रिसर्च वाला करके आपने बुक को पब्लिश करना. बहुत सारी बुक पब्लिश करते हैं, आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम भी लगेगा, आपको इससे फायदा होगा. आपने ज्यादा बुक्स अगर पब्लिश किया, फर्स्ट टाइम आपने 30 बुक्स पब्लिश कर दी है छोटी छोटी, तो उसमें आपने क्या किया है कि अब आधी आपने फ्री रख दी है, आधी आपने तकरीबन $2 या $3 की रख दी है. तो बहुत सारे लोग आएंगे, अगर उनको आपके पहले फ्री पसंद आएंगे तो वो आपकी दूसरी जो जिन पे आपने रखी प्राइस रखी हुई है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिसपे आपकी प्राइस मतलब लगी हुई है, वो लोग अगर उनको पहले वाली पसंद आएगी, पहले वाली आप इतनी बेस्ट लिखते हैं कि लोग फिर हो जाए कि नहीं यार पढ़नी ही पढ़नी है मुझे तो, ये बुक इतनी जबरदस्त होती है इस बंदे की, तो वो आपको रिव्यूज से ही पता चल जाएगा. पहले आप फ्री डाल के रखें, देन उसके बाद जैसे आपकी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी, बहुत सारे लोग आपको पढ़ने लग जाएंगे, आप वहां पे आपका एक मतलब नाम हो जाएगा कि हाँ भाई ये सबा है जी, न्यू राइटर है, बहुत अच्छा लिखती है. तो आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आपने अपनी बुक्स को मतलब आप उस पे प्राइस लगा सकते हैं और उसके बाद आपकी बुक्स लोग बाय करेंगे और फिर आपको उसी तरह से उसके पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे. ये नहीं है कि आज आपको एक दिन में, क्या पता आपकी एक दिन में 3-4-5 सेल्स हो जाए, क्या पता आपकी एक हफ्ते में 3-4-5 सेल्स हो, क्या पता आपकी एक महीने में, डिपेंड्स कि आपने काम कैसा किया है. ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ये मैं बता चुकी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स लिखें आप और वहां पे आप किंडल सेलेक्ट में जाएं और हाई क्वालिटी जो है कंटेंट वहां पे डालें और नेगेटिव रिव्यू ना आए जी.